मॉम ने मुझे 5 साल पहले कहा था कि एंटरटेनमेंट जो है ना वो बोतलों में एग्जिस्ट करती है आज के डेट में, और हर तरीके की बोतल जो है ना मार्केट में। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको किस तरह की एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो बोतल आपके लिए अवेलेबल है। एक पीरियड आया था अनफॉर्चुनेटली जब, और मेरी मॉम ने ये कहा था कि अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन पे कुछ लोगों के लिए वो जो एक एंटरटेनमेंट थी वो नहीं थी, वो शोज कम्प्लीटली छोटे टाउन्स के लिए हो गए थे और ऐसा, बट वो सारे लोग अब उनके लिए एंटरटेनमेंट आ गई है नेटफ्लिक्स पे या हॉटस्टार पे या अमेज़ॉन पे या जितने भी बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म, जितने भी अच्छे अच्छे ये वेब शोज आ रहे हैं, अब उनके लिए वो एंटरटेनमेंट हो गई है। लेकिन साथ में वो टेलीविज़न भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अलग तरीके के भी शोज़ एग्जिस्ट करते हैं, साथ में हॉलीवुड के शोज़ भी एग्जिस्ट करते हैं, हॉलीवुड की फिल्में भी एग्जिस्ट करती हैं, यूरोपियन सिनेमा भी एग्जिस्ट करता है। आज के डेट में अगर आप बम्बई शहर में रह रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और बम्बई तक ही सीमित नहीं है, पूरे भारत में जहाँ भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो एंटरटेनमेंट फैल गई है और अलग अलग तरीके की चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। अब आपका व्यक्तित्व है, अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सी एंटरटेनमेंट अपने लिए चूज करते हैं। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रॉब्ली एक्सटेंडेड है। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, ताजदार जुनैद, इंडी सर्किट में मतलब ही इज़ अ स्टार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही टोल्ड मी समथिंग ब्रिलियंट। ही सेड यार 10 साल पहले या 15 साल पहले जब म्यूज़िक कंपनीज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को मौका देती, सिर्फ वो ही देती थी, उस टाइम पे शायद मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। आज की डेट में मैं कलकत्ता में हूँ, कलकत्ता से मैंने यूट्यूब से ही एक इंस्ट्रूमेंट सीखा, और मैंने अलग अलग तरीके के म्यूजिशंस को, एक म्यूजिशन एलए में, एक म्यूजिशन लंदन में, एक म्यूजिशन ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे, मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने इंटरनेट पे ही लिटरली ईमेल्स के थ्रू एक पूरी एल्बम बनाई, और मैंने यही सेम एल्बम अपने सारे ट्रैक्स मैंने यूट्यूब पे रिलीज़ किए, और वो इतना पॉपुलर एल्बम है, और उसके वजह से आज मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मुझे आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी म्यूज़िक कंपनी। All of this is possible only because of the internet. All of this is possible because of YouTube. This was not possible 10 years back.